नमस्कार, मैं अमित सिंह दवायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, एक मोदी कैबिनेट में फेरबदल और दूसरा अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ती रफ्तार पर। हमारे साथ दवायर के संस्थापक संपादक एम के वेणु जी हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक मोदी के कैबिनेट में से 6 के करीब मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस हफ्ते के अंत तक मोदी के कैबिनेट में कुछ नए मंत्री शामिल होने वाले हैं। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें राजीव प्रताप रूडी, उमा भारती, फगन सिंह कुलस्ते, संजीव बलियान और निर्मला सीतारमण जैसे नामों पर चर्चा हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि सर, ये फेरबदल क्यों किया जा रहा है और क्या है इसके नतीजे, क्या इसके मिलने की उम्मीद है सरकार को? देखिए, ये जहाँ तक मेरी समझ है, ये जो कैबिनेट रिशफल है ये 2019 के बड़े इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अभी तक वैसे बीजेपी ने दो बारी रिशफल किया है और एक्सपेंशन जो किया है, मगर वो इतने बड़े रिशफल नहीं थे, इतना बड़ा फेरबदल नहीं था। मुझे लगता है इस बारी कुछ पॉलिटिकल सिग्नलिंग इस किस्म की होगी कि सुनने में मुझे आया है कि जो बीजेपी के कुछ सूत्र बताते हैं कि बीजेपी साउथ और ईस्ट पे फोकस रखना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अंदर ये सोच है कि जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी पकड़ उनकी हो चुकी है और काफ़ी पॉलिटिकली वो वहाँ पे डोमिनेंट हो गए हैं। और ये चीज़ हमने देखा कि यूपी में जिस तरह इलेक्शन जीते हैं, और उससे पहले उन्होंने जो शुरू में जो कैबिनेट एक दो बारी फेरबदल हुए थे उसमें वो हिंदी बेल्ट को ज़्यादा ध्यान पर रखते हुए उन्होंने करा, इसलिए जो पहले के जो आपके कैबिनेट आप कंपोजिशन देखें जो यूनियन कैबिनेट के, तो उसमें यूपी और बिहार का डोमिनेंस रहा शुरू में। अब क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ईस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया, मतलब तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में तो इलेक्शन होने वाले हैं, और उड़ीसा, बंगाल, ईस्ट पे फोकस ज़्यादा, साउथ और ईस्ट पे ज़्यादा रखना चाहते हैं 2019 के स्टैंड पॉइंट से, तो लगता है कि वहाँ से ज़्यादा लोग इस बारी कैबिनेट में भर्ती होंगे। नाम सुनने में आया कि तमिलनाडु में दो तम्बी दुरई का नाम आया और एक और साहब का नाम आया, और कर्नाटक से दो, एक प्रहलाद जोशी की नाम, ये स्पेकुलेशन है, चर्चा में है उनका नाम, और एक सुरेश अंगाड़ी करके कोई है, उनका नाम भी है। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि इसमें लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अब जो बीजेपी को जो हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने पिछले 2014 वाले इलेक्शन में आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर सब जगह, चाहे यूपी लें आप, राजस्थान लें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब 90% से ज़्यादा उनको सीटें मिली हैं। वहाँ पे और बढ़ोतरी, सीटें बढ़ाना बहुत मुश्किल है, जबकि जो साउथ और ईस्ट में जहाँ पे उनके नंबर बहुत कम है तो वहाँ पे सीटें 2019 में वो ज़्यादा ला सकते हैं थेरेटिकली, अगर आप गणित देखें तो। मेरे ख्याल वो सिग्नलिंग इस वाले फेरबदल में होगी। और दूसरा फैक्टर तो होगा ही, जो जिन्होंने मंत्रियों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल के परफॉर्मेंस से मोदी जी खुश हैं, गडकरी के परफॉर्मेंस से खुश हैं, शायद उनको बेटर मिनिस्ट्रीज मिले, धर्मेंद्र प्रधान से खुश हैं क्योंकि उन्होंने वो जो उज्ज्वला स्कीम, जो जो गैस सिलेंडर वाली स्कीम जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को जो बांटने की थी वो उन्होंने ठीक ठाक अच्छी चलाई है। और कई लोग जो जिनका जो रेजिग्नेशन लिया गया है और जिन्होंने दिया है, जिसकी बात चर्चा आप कर रहे थे, उनमें कई ऐसे हैं जो अपने जॉब में ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं साबित हुए, तो जैसे राजीव प्रताप लेता हूं, जैसे उमा भारती का क्या कारण रहा है अगर ये जा रही है तो? उमा भारती, मुझे लगता है कि देखिए, उमा भारती को उनका मेन रोल था ये गंगा से जुड़ा हुआ जो क्लीनिंग का जो था, मगर उमा भारती का मिजाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला मिजाज है नहीं। वो शुरू में भी, वो जब उनको नियुक्त किया तब भी वो एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग ये था कि एक तो वो एक जेंडर है, शी इज अ वुमन, और एक बैकवर्ड कास्ट यू नो से आती है, तो वो सारा, तो
अभी वो मेरे ख्याल उमा भारती को ज्यादा एक पार्टी के रोल पे इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि उमा भारती का जो मध्य प्रदेश में भी अगले साल इलेक्शन है, तो वो चाहेंगे कि उमा भारती पार्टी के काम में ज्यादा जुटे। तो ऐसे लोग ये भी देखा जाएगा कि जो जो ज्यादातर जो माने जाते हैं कि जिनकी जिनका बेस है लीडरशिप जो ग्रास रूट से कनेक्ट है, उनको शायद मिनिस्ट्री से हटा के शायद स्टेट में भेजा जाए बीजेपी अपने काम करने के लिए। ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है उमा भारती को हटाए जाने पे, लोग कह रहे हैं कि गंगा अब कैसे साफ होगी। सर गंगा तो वैसे साफ नहीं होनी थी। राजीव प्रताप रूडी का क्या हटाने का मामला है और निर्मला सीतारमण को लेकर क्यों अफवाह है, मतलब ये दो लोगों का? जैसे महेंद्र नाथ पांडे का समझ में आता है कि उनको यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, या कलराज मिश्र की उम्र ज्यादा हो गई है, पिछली बार भी कैबिनेट रिशफल में उनका था लेकिन यूपी चुनाव के चलते रोका गया, लेकिन ये दो नाम जो हैं जो चर्चा में आए हैं, मेरे को लगता है कि राजीव प्रताप रूडी को भी शायद पार्टी के रोल की तरफ उनको भी शायद पार्टी के लिए भेजा जाए जा सकता है। और दूसरा उनके जो स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में उन्होंने कुछ खास करके नहीं दिखाया, और स्किल्स मिनिस्ट्री में का जो परसेप्शन जो है, भाई मोदी जी तो परसेप्शन से भी जाते हैं ना, उसका ये है कि उन्होंने बड़े गोलपोस्ट पीछे बदले हैं और अंदर कुछ ठीक से कोऑर्डिनेटेड काम स्किल्स मिनिस्ट्री में नहीं हो रहा है, और उसका आउटकम नहीं देख रहा था। पीछे एक स्किल्स सरकार की नियुक्त की हुई स्किल्स रिव्यू कमेटी बनी थी जिसने एक बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि जितने लोगों की स्किलिंग हुई है, जो स्किल्स जिनको दिया गया पिछले 3 साल में, उस करीब 3 या 4 मिलियन मतलब 30-40 लाख लोगों को, उसमें से केवल 8% लोगों को असली में नौकरियां मिली है। और मेरे ख्याल उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट ठीक नहीं आया। रेलवे का जिस तरह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रेलवे के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। सुरेश प्रभु ने तो इस्तीफे की भी पेशकश की, उन्होंने तो खुद ही जाके अपना इस्तीफा पेश करने की बात कर दी। शायद सुरेश प्रभु को कोई और मिनिस्ट्री मिल जाए, हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय की चर्चा चल रही है, हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं गडकरी जी को शायद रेलवे मिल जाए, तो उस तरह का कुछ फेर बदल हो जाए। मगर एक मैं बात कहूंगा कि इस बार जरूर डिफेंस मिनिस्ट्री किसी सीनियर और कॉम्पिटेंट मिनिस्टर को दिया जाएगा, और इसका हिंट मेरे ख्याल जेटली जी ने भी कुछ पत्रकारों को दिया है कि शायद डिफेंस उन्होंने एडिशनल चार्ज रखा हुआ है, और इतना क्रिटिकल मिनिस्ट्री है। और ये ताजुब की बात है कि पिछले 3 साल में काफी वक्त, 1 साल 1.5 साल के करीब, डिफेंस मिनिस्ट्री इतना बड़ा मिनिस्ट्री एडिशनल चार्ज के तौर पर रखा गया है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर कई मंत्रालय ऐसे हैं, जैसे पर्यावरण मंत्रालय हो गया, अनिल माधव दवे के निधन के बाद से खाली है, वेंकैया नायडू के बनने के बाद से शहरी मंत्रालय, और ये सूचना प्रसारण मंत्रालय, मतलब वेंकैया नायडू के वहां जाने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद, और इसके मतलब उपराष्ट्रपति बनने के बाद, तो ऐसे बहुत सारे मंत्रालय खाली हैं, तो इनमें कौन कौन से नाम आ सकते हैं बीजेपी की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से? एक जैसे संगठन से नाम चल रहा है भूपेंद्र यादव का और राम माधव का वापस आने का, इसमें तो कुछ हो सकता है, कुछ यंग लोग जिन्होंने अभी तक जो पार्टी के काम में बहुत अपनी क्षमता दिखाई है, उनको शायद कैबिनेट में ला सकते हैं, और कई ऐसे लोग जो कैबिनेट से पार्टी के काम में भेजे जा सकते हैं। सर जो इनके सहयोगी दल हैं, जैसे शिवसेना हो गया, तेजपा हो गया, और तेलुगु देशम पार्टी, अन्ना AIDMK और जदयू, इन सबसे भी मंत्री आने की उम्मीद है, मतलब कहा जा रहा है कि कैबिनेट रिशफल में इन सबके दो दो मंत्रालय मिलेंगे, तो जाहिर हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो मोदी जी और अमित शाह के जो NDA जो चलाने का जो तरीका रहा है, NDA की रेगुलर मीटिंग नहीं हुई है, और शिवसेना और हमेशा NDA बीजेपी के खिलाफ कंप्लेंट करता रहा है, कई बारी तो सपोर्ट विड्रॉ करने की भी धमकी दी उन्होंने, एलायंस को इन्होंने खुश नहीं रखा है। हुआ यह है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी को अपनी फुल मेजोरिटी मिली है, तो उन्हें शायद ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि एलायंस को भी साथ लेके चलें, क्योंकि अगर सीटें कम आती तो आप एलायंस को ज़्यादा भाव देते हैं ना, क्योंकि अब उनकी बहुत ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में पूरा अपना मेजॉरिटी पूरा करने के लिए। तो अब 2000 अगेन मैं कह रहा हूँ कि 2019 आ रहा है, अभी 1.5 साल दूर, उससे पहले शायद ये एलायंस को धीरे धीरे अपना फुसलाना शुरू करेंगे, थोड़ा अपने खुश रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरे जो फिर बदल हो रहा है, इसमें संघ की क्या कितनी चलेगी, कितनी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि चुनाव इनके सर पे हैं और कई राज्यों में हैं? संघ की तो चलेगी, क्योंकि संघ, भाई मोदी जी के राज में बैलेंस तो हुआ है, संघ का काफी बड़ा है मोदी जी के,
प्रधान उनके एडमिनिस्ट्रेशन में और कई तरीके से बढ़ा है। इंस्टीट्यूशन में संघ ने अपने लोगों को वो किया है। मेरे ख्याल मोदी जी का एक संघ से एक अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ एरियाज में आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, मुझे अपनी थोड़ी फ्रीडम दीजिए स्पेस, और कई एरियाज में से एडुकेशन कल्चर वो पूरा संघ की बात मान के चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सर अपने दूसरे हिस्से पे, महंगाई और जीडीपी, मतलब जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, पिछले 3 सालों में जीडीपी वृद्धि दर अपने सबसे निचले स्तर पे है, क्या कारण है? नोटबंदी, जीएसटी, इसके? देखिए, मेरा मानना है कि इन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह मिसमैनेज किया है और इसमें इनसेंसिटिविटी बहुत दिखाई है। उसमें नोटबंदी का एक बहुत बड़ा एक रोल रहा है। और आप देखिएगा, अप्रैल से जुलाई 2016 के जो जीडीपी के आंकड़े 7.9% और अप्रैल से जुलाई इस साल 5.6%, तो 1% जीडीपी गिरना मतलब 1,50,000 करोड़ आमदनी कम हुई है देश में, और 2% माने 3 लाख करोड़ की आमदनी कम हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 लाख करोड़ अगर आमदनी गिरे, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी नेशनल इनकम होता है। अगर देश का अगर इनकम 2-3 लाख करोड़ अगर गिरे तो उसका कितना असर लोगों के इनकम में, लोगों के डिमांड, कंज्यूमर डिमांड गिरता है और चीज़ें कम खरीदते हैं, उत्पादन कम होता है, पूरा एक चेन रिएक्शन होता है, और वो आज को देखने को मिल रहा है। और इतना बुरा परफॉर्मेंस मेरे ख्याल पिछले 4 साल में, आप चाहे जीडीपी आंकड़ा देख लीजिए, आप औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा देख लीजिए, आप बैंक जो लेंडिंग देख लीजिए, बैंक जो क्रेडिट दे, बहुत ही मतलब बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा है। और मेरा मानना है कि चाहे सरकार माने ना माने, ये डिनाइल में है, मगर नोटबंदी का इस पर बहुत असर है। और किसान वर्ग और खासकर छोटे उद्योग बहुत ही बुरी तरह अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पे भी बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देखोगे तो वो सबसे बदतर पिछले 10 साल में आज दिख रहे हैं। नहीं सर, जैसे अगर हम 3 बड़े कारण पूछें इसके, तो सिर्फ नोटबंदी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? नहीं, नोटबंदी असल में आप देखिएगा, अगर पिछले आप 1.5 साल से अगर 1.5 साल को लें, अगर 2 साल कंसिस्टेंटली जीडीपी का आंकड़ा गिर रहा है, हर क्वार्टर में आपको गिरते हुए दिख रहा है, मगर नोटबंदी के बाद जो गिरावट है वो एकदम तेज हुई है। तो पहले ही मतलब अर्थव्यवस्था में दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, और नोटबंदी के बाद वो जैसे अगर हम सर आपसे पूछें कि हमें 3 फैसले बताइए जो सरकार ने लिए हैं और जिनके कारण जीडीपी इस हालत में पहुंची है। 3 फैसले भाई, एक तो नोटबंदी है, और उससे पहले देखिए, उससे पहले कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो बैंकों में जो निजी निवेश जो है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो बिल्कुल 2.5-3 साल से ठप पड़ा हुआ है। वो क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि बैंकों के पास करीब 10 लाख करोड़ का ये जो प्राइवेट सेक्टर ने लोन पहले लिया हुआ वो वापस नहीं कर रहे, तो बैंकों के पास पैसा नहीं है नए सिरे से उद्योगों को देने के लिए। इस प्रॉब्लम को इस सरकार ने जल्दी उसको पकड़ के उसको सॉल्व नहीं किया। उसको सॉल्व करने में अभी 3 साल लगा दिए, अभी भी उन्होंने शुरू नहीं किया, अभी शुरू किया है पिछले 6 महीने में। वो जो इन्होंने देरी करी है कि बैंकों की स्थिति को सुधारने में जो देरी करी है, उस वजह से जो नए निवेश प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इस, हालांकि ये सरकार बोलती है कि ये प्रॉब्लम हमें यूपीए से मिली है, मगर भले आपको यूपीए से मिली हो, मगर आपका तो ये दायित्व होता कि आप उसको पहले 6 महीने के अंदर उसको उस प्रॉब्लम को एकदम से आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन निकालते, मगर उन्होंने निकाला नहीं, 3 साल हो गए। अच्छा सर, महंगाई की पे हम चर्चा कर लेते हैं। महंगाई, पेट्रोल इस समय अपने सबसे मतलब काफी महंगा हो गया है, 75 से 80 के बीच में चल रहा है, और सिलेंडर गैस के दामों में 71 रुपए की एक साथ बढ़ोतरी की गई है, तो महंगाई को कैसे मैनेज करेगी सरकार ये, और क्या इसके तरफ? देखिए, महंगाई पे एक चीज कहना पड़ेगा, इस सरकार के टेन्योर में महंगाई कम हुई है। जैसे जो खाने के सामान में महंगाई बहुत कम हुई है,
मैं तो कहूंगा इतना कम हो गया कि किसान बेचारा मारा जा रहा है, क्योंकि उसको किसान को भी अपने अच्छे दाम मिलने चाहिए ना, तो जो प्राइसेस इतनी गिर गई हैं कि वो किसानों की आमदनी को इम्पैक्ट कर रही है जो उत्पादन करता है। मगर महंगाई पे इन्होंने ओवरऑल अंकुश लगाया है। ओवरऑल महंगाई जो यूपीए के टाइम जो 8% 8.5% होती, अब इनके टाइम पे 3-3.5% है। मगर पेट्रोल के दाम नहीं गिरे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल पे 40% टैक्स लगा रखा है, और पेट्रोल को इन्होंने जीएसटी के अंदर नहीं लाया। अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल को लाते और उसमें अगर 18 या 28% टैक्स होता तो पेट्रोल के दाम आज कम से कम 15-20% कम हो जाते, क्योंकि पेट्रोल में अभी भी 45% टैक्स पूरे जो मिला के आप देखें चल रहा है, और क्योंकि इसको जीएसटी से बाहर रखा है, ये जिस एक पेट्रोल जो सेक्टर है जो इनका एक किस्म से एक एक दूध देने वाली गाय है कि उसको जब भी टैक्स बढ़ाएं और वहाँ से आप अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों वहाँ से अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं। अच्छा, जैसे सर माना जाता है कि एक आम भाषा में कहा जाता है कि पेट्रोल के दाम महंगे होंगे तो महंगाई बढ़ेगी, वो हो सकता है, अब हो सकता है, क्योंकि जो पेट्रोल का दाम है वो पूरे फिर अर्थव्यवस्था में, वो ट्रांसपोर्ट में चाहे और हर चीज़ में डीजल जो यूज़ होता है, किसान डीजल यूज़ करता है तो उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, वो बढ़ने की वो संभावना है अभी। मगर क्योंकि अर्थव्यवस्था में ओवरऑल डिमांड अभी कम है तो प्राइसेस कम हो रही है, क्योंकि जो चीज़ों के जो दाम है वो डिमांड पे भी डिपेंड करता है, अगर लोग डिमांड ही ना करें तो दाम बढ़ते नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा डिमांड बढ़ता है कि नहीं। ठीक सर, धन्यवाद दवायर की चर्चा में जुड़ने के लिए आप लोगों का, धन्यवाद सर।